This bhajan was everywhere, to be honest. Ram aayenge to angna sajaungi. कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में। ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, जिसमें 500 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि मेरा मुल्क इस वक्त किस नहज को पहुंच चुका है। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। पहली बार हमारे देश को मोदी जी जैसा एक अवतार मिला, एक ब्लेसिंग मिली। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था, टेम्पल बना है। आई डोंट नो, शायद 2000 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, कुछ इस टाइप का हुआ है। वो पूरा का पूरा जो है क्राउड फंडिंग से लोगों ने बैंक में पैसे जमा कर करके, सरकारी पैसा नहीं है। 2035 और 2040 तक में हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाला व्यक्ति भी कम से कम 1 करोड़ बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम देख किसको रहे हैं। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को, और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है, जिसमें ये बताया गया है के जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम्स स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो इन्वॉय हैं, इंडियन इन्वॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। नाज़रीन, भारत अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज्यादा VIP गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। ये इनके वजीर तालीम थे जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फिक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वह आज चांद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खत्ते में पहुँच गया है, उस पर उसने जाके लैंड किया है। ठीक है ना, इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफरत और ये पैदा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजोरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फिकरा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज की सारी कार्रवाई है। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखें 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो जो चीज़ें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है, इनके अपने मफादात हैं। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की इस खित्ते के लिए बिल्कुल
बिल्कुल फायदा मंद नहीं है। देखिए ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नजर है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ है। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया, लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है, ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। और इसमें रैली भी निकाली गई अमेरिका में इस सेलिब्रेशन की, उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है, एक दो लोग हैं, वो भी उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओ दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं। किसी ने बताया जनाब के ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज फॉर द राम टेंपल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. Middle East mein lens badal gaya hai ab Bharat ko dekhne ka. This is what the Indians are saying. Then, for example, ye jo Ram Rath Yatra and Ayodhya Ram Mandir celebrations Paris mein, 1000 ke kareeb jo log hain, wo attend karne ja rahe hain. Wo proper wahan pe, jo uski invitation cards hain, और ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो विश्व हिंदू प्रसाद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।